अपना अवचेतन मन और सबकॉन्शियस माइंड जो है इसकी ताकत के बारे में अभी आपसे बात कर रहा हूं। क्या है कि काफी सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि हमारे अवचेतन मन में या सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी ताकत है, बहुत जबरदस्त ताकत है। एक चुंबक जो है वो चुंबक अपने ताकत से 12 गुना ज्यादा लोहा उठा सकता है। अपने में जो अचेतन मन है, सबकॉन्शियस माइंड है, वो 90% है पूरे मन का, और 10% सिर्फ कॉन्शियस माइंड है। अब अवचेतन मन की इतनी बड़ी ताकत है और वो उसको इतनी मतलब चुंबकीय ताकत है कि वो उसके तरफ कुछ भी चाहे वो खींच सकता है। यदि आपने अवचेतन मन को, सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेंड ही ऐसा किया हुआ है, ट्रेनिंग ऐसा दिया है पहले से कि वो चुंबक जैसा है और अच्छी चीजें आपकी तरफ आकर्षित करेगा तो अच्छी चीजें आकर्षित करेगा, और उसको ट्रेनिंग पूरा दिया है, निगेटिविटी का ट्रेनिंग दिया है, निगेटिव डाला हुआ है तो निगेटिव चीजों को आपके तरफ आकर्षित करेगा। आपको बताया कि कुछ लोगों को है ना बार 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 एक्सीडेंट ही होते रहते। परसों एक व्यक्ति मुझे मिली, एक लेडी थी, करीब करीब उसकी उम्र 70 साल की थी, बोले अभी तक मेरे जीवन में 9 बार एक्सीडेंट हुए, अभी भी एक्सीडेंट होकर पड़ी हूँ और अभी मैं व्हील चेयर पर जा रही हूँ क्योंकि 9 बार एक्सीडेंट हो गया। वो एक्सीडेंट प्रोन है, पता नहीं उसके सबकॉन्शियस माइंड में क्या जाके बैठा हुआ है कि उसको एक एक्सीडेंट हो गया अच्छे हो गए कि फिर दूसरा एक्सीडेंट होगा। कभी बाथरूम में गिर जाएंगी, कभी चलते चलते गिर जाएंगी, कभी कहीं वो डैश हो जाएगा उसका पैर कहीं, या कहीं उसको लग जाएगा, या कभी चक्कर जैसे आ जाएंगे और गिर, मतलब ऐसा कुछ तो भी होता है। सब टेस्ट किया, सब नॉर्मल है। अवचेतन मन में बहुत ताकत है। वो यदि उसमें घुसा है कि मैं कामयाब नहीं हो सकता, मुझे हार्डवर्क ही करना पड़ता है, मेरा लक अच्छा नहीं है, या मैं सफलता कभी पा ही नहीं सकता हूँ, मेरा जीवन तो बेकार हो गया है, ऐसे यदि विचार वो अवचेतन मन में या सबकॉन्शियस माइंड में भर दिए और पहले से उसका प्रोग्रामिंग वैसा किया, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि भाई यदि उसका प्रोग्रामिंग गलत हुआ है तो उसका रीप्रोग्रामिंग करना पड़ेगा सबकॉन्शियस माइंड का। लोगों को यदि पूछा है कि भाई यह बताइए कि सबसे बड़ा चमत्कार कौन सा है, या सबसे बड़ा क्या आश्चर्य हो सकता है, तो मैं तो यही बोलूंगा कि सबसे बड़ा चमत्कार, सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि भाई अपने सबकॉन्शियस माइंड की ताकत पहचानना और उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करके जीवन में सफलता हासिल करना, और वो यदि आपको जमता है तो आप ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हो। तो ऐसा बोला जाता है कि आप जब मरते हैं तब तक आपने आपके कैपेसिटी का, आपके क्षमता का, आपकी जो एबिलिटी है उसका 5% भी इस्तेमाल नहीं किया रहता, मतलब 95% वेस्ट ही जाता है। जो 1% इस्तेमाल करते हैं वो असामान्य हो जाता है। तो वो हमको देखना है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है, अवचेतन मन है, उसका इस्तेमाल करना, उसकी ताकत पहचानना, उसमें खजाना है भरा हुआ वो खोजना, और उसका उसकी खोज करके उसकी ताकत का इस्तेमाल करके जीवन में सफलता पाना यदि हमको जम सका, उसके ऊपर हमने फोकस किया, उसका रीप्रोग्रामिंग किया, तो बहुत बड़ी सफलता ज़िंदगी मिलेगी आपको, प्यार मिलेगा आपको, संतुष्टि मिलेगी आपके जीवन में, समाधान मिलेगा आपको, सफलता मिलेगी, आप जो चाहे वो आप मिला सकते हो आपकी ज़िंदगी में। सिर्फ इतना ही करना है कि अपने आप के ऊपर भरोसा करो कि मैं अपने अंतर्मन का, सबकॉन्शियस माइंड का पूरा वापर करके, पूरा इस्तेमाल करके मैं जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता हूँ। आपको यदि कुछ सवाल है, कुछ कॉन्टैक्ट करना है, ऑनलाइन कंसल्टेशन आप हमसे कर सकते हैं, नंबर नीचे दिए हुए है। हमारा हॉस्पिटल है, वहाँ लोग भर्ती होते हैं, मानसिक रुग्ण हमारे पास में आके भर्ती होते हैं और वो अच्छे करके चले जाते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।